हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है डिफरेंस कमर्शियल फ़ोन और कॉन्सेप्ट फ़ोन के बीच में, और आपको बताऊंगा मैं कि कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट दोनों में आसानी से मिल जाता है, उस स्मार्टफोन को आप कमर्शियल स्मार्टफोन मिल बोलते हैं। और दोस्तों, जैसे हर एक नॉर्मल स्मार्टफोन कमर्शियल स्मार्टफोन होता है, लेकिन दोस्तों जो एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन होता है, ये आपको मतलब कि कंपनी के थ्रू कभी भी किसी कस्टमर को नहीं दिया जाता। ये कंपनी का कुछ मतलब कि डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। जैसे कि दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ फीचर मिल जाएगा आपको आपकी कमर्शियल फ़ोन में उस कॉन्सेप्ट फ़ोन से रिलेटेड। दोस्तों, जो भी मतलब कि रिसर्च करती है कंपनीज, वो उस कमर्शियल फ़ोन में नहीं करती, वो पहले कॉन्सेप्ट फ़ोन में यूज़ करती है अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो दोस्तों, अभी मार्केट में आपको पता ही है कि बेसिकली जो ओप्पो और वीवो काफ़ी मतलब की डेवलपमेंट कर रही है। तो दोस्तों, वो अपने कमर्शियल फ़ोन से पहले अपने कॉन्सेप्ट फ़ोन में वर्क करती है। जैसे कि दोस्तों, अभी कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन उसका अपेक्स 2019 है, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन जो कमर्शियल फ़ोन होता है दोस्तों, उसमें आपको उसके कुछ फीचर्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, कमर्शियल स्मार्टफोन आपको इजीली ये मतलब कि यूज़ करना, आपको लगभग हर एक फीचर जो हर एक स्मार्टफोन में नेसेसरी होती है वो मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन होता है, उसमें आपको कुछ जैसे कि मेन फीचर्स होंगे वो आपसे गायब भी किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों उनको सबसे पहले प्रैक्टिकली मतलब कि पॉसिबल करना होता है कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन में। तो दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन में वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया, तो आपके लिए वो मतलब कि ला लेते हैं कमर्शियल स्मार्टफोन में वही चीज़ें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कमर्शियल स्मार्टफोन में कि वो आपको इजीली अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन है वो किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होता। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बन जाती है कि जो मतलब कि कमर्शियल स्मार्टफोन है वो आप कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन काफ़ी अलग मतलब की चीज़ है। उसमें आपको मान लो कि किसी में सेल्फी कैमरा नहीं है, किसी में रियर कैमरा नहीं है, उस टाइप के स्मार्टफोन आपको कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो उसके कैमराज है वो आपको मार्केट में मतलब कि फ़ोन देखने को नहीं मिलता, तो कंपनीज को नेसेसरी नहीं लगता कि उस पर ऐसा कैमरे वगैरह का खर्च किया जाए या फिर इस तरह का खर्च किया जाए। वो सिर्फ ये चाहती है कि जो मतलब कि वो डेवलपमेंट कर रही है वो आपको मिल जाए आसानी से। अगर दोस्तों उनकी डेवलपमेंट में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, तो वो अपना पूरा का पूरा प्लान कैंसिल कर देती है। दोस्तों, आप एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन को एक लेबोरेटरी की चीज़ मान के चल सकते हैं, जिसमें कि मतलब कि हर एक टाइप के प्रैक्टिकल किया जाता है, हर एक चीज़ किया जाता है। मतलब कि उसको मार्केट में उतारना काफ़ी रिस्क भरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी कोई कॉन्सेप्ट फ़ोन कभी मार्केट में नहीं आता। वो मतलब कि अपने किसी भी चीज़ में, जैसे कि आपको अभी फोल्डिंग डिस्प्ले मिलेगा, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन में फोल्डिंग डिस्प्ले किया जाएगा सबसे पहले, और किया गया है। और दोस्तों, उसके बाद आपको कमर्शियली वो अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी मतलब कि डिफरेंस है। बेसिकली आप एक बात मान के चल सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन होता है वो आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उसका जो खर्चा होता है वो आपके जो कमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन उससे लिया जाता है, काटा जाता है। और दोस्तों, वो R&D के खर्चे के रूप में आपसे काटा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बैलेंस बना रहता है कमर्शियल और कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन के बीच में। दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन अपने आप में काफ़ी अच्छे रहते हैं। जो कमर्शियल स्मार्टफोन होता है उससे कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन्स की ये ली जाती है, तो इस तरह से आपको काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते हैं मेरा चैनल बीटेक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।